हे गेमर्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी गेमिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है मोटो G10 पावर। अभी हमने रिसेंटली एक और डिवाइस मोटोरोला का कवर किया था, वो था मोटो G30 जो आपका 10,999 यानी कि ऑलमोस्ट 11,000 का आता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास उससे थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्डेबल डिवाइस है जो कि है मोटो G10 पावर। इसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है आगे की साइड और ये अगेन HD+ डिस्प्ले है जिसको कंपनी मैक्स विजन डिस्प्ले बुलाती है। 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 4 GB की रैम मिलती है और 64 GB की आपको स्टोरेज मिल जाती है। अब ये भी आपका एंड्रॉयड 11 पे रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। अगर मैं आपको जाके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 पे ये रन होता है। और यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 460 चिपसेट जो कि उतना पावरफुल नहीं है जितना स्नैपड्रैगन 662 है, पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसा ये हैंडल कर पाता है पबजी को। यहाँ पे फटाफट से इनिशियल टेम्परेचर रीडिंग्स ले लेते हैं हम डिवाइस की। और इनिशियली आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है वो 34 डिग्री जा रहा है, डिवाइस की चिन के अराउंड है जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे है। थोड़ा सा फ्यूजन कम कर दूँ तो आपको बेटर दिखेगा। और बैक साइड में चले तो बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 30s में ही है, 31.9 है अराउंड। और हल्का हल्का स्पॉट यहाँ पे, हल्का हल्का सा हीटिंग स्पॉट है, पर अभी कोई ज़्यादा मेजर हीटिंग इसमें मुझे दिख नहीं रही। तो फटाफट से करते हैं गेम को स्टार्ट, आपको दिखा देते हैं सारी ग्राफिक सेटिंग्स और सब कुछ जो हम इस डिवाइस पे टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइज ये रहा गेम और आप कॉन्स्टेंट FPS यहाँ पे देख पाएंगे। ये गेम बेंच की सर्विसेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर किसी को चेक करनी हो तो। यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ टाइमर है कितनी देर के लिए हमने FPS मीटर यहाँ पे चला के रखा था। तो बैटरी रीडिंग्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो अभी 71% है बैटरी और 20 मिनट्स की गेमिंग करेंगे, 20 मिनट से ज़्यादा की यहाँ पे एटलीस्ट। और यहाँ पे चलते हैं, अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ, ग्राफिक्स में जाऊँ तो आपको दिखेगा आपको मिल जाता है स्मूथ में लो मीडियम हाई। अब सिमिलर सेटिंग्स आपको स्नैपड्रैगन 662 में भी देखने को मिली थी जो इससे 1000 रुपये महंगा है। 10999 में कंपनी ने G30 भी लॉन्च किया है। बैलेंस में आपको मीडियम, HD आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं स्मूथ में हाई सेटिंग्स और ग्राफिक्स में थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, यूजली इसी पे रखते हैं हम 110 पे। तब चलते हैं पहले KDM की तरफ, फिर चलेंगे क्लासिक की तरफ और लेट्स सी कि कितने FPS मेंटेन कर पाता और कैसी रहती है इसकी बैटरी लाइफ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गेम में। सबसे पहले तो मैं स्कोप ऑन करके दिखाता हूँ। तो जायरोस्कोप यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहता है और जायरो का हम डिले देख लेते हैं, नहीं है तो ऑलमोस्ट नो डिले है जायरो का, जैसा हमें G30 में देखने को मिला था। स्नैपड्रैगन वाले डिवाइसेज में यूजली हमें जायरो डिले देखने को मिलता नहीं है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम है, ऑलमोस्ट सही चल रहा है। स्प्रे करके देख लेते हैं, स्प्रे भी सही हो रहा है और यहाँ पे एक बार स्प्रे मार के थंब से भी कंट्रोल करके देख लेते हैं। तो जायरो प्लेयर अगर आप हैं तो जायरो में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, अंडर 10,000 पीस का जायरो सही परफॉर्म कर रहा है और आप जायरो का पूरा यूज़ कर पाएंगे। तो लेट्स सी अब गेम में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर आप खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं 30 FPS पे। TDM में मुझे मोस्टली 30 FPS ही मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे वॉल्यूम ऑन करता हूँ ना तो इस एरिया का टच, ये देखो इस एरिया का टच नहीं काम करता, ये काम कर रहा है। एक सेकेंड, ये देखो ये काम कर रहा है पर यहाँ वाला पूरा टच खत्म हो जाता है। तो वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे तो याद रखना कि बंदा अगर सामने हो तो दिक्कत कर देगा ये।
पीछे से मार रहे। तो यहाँ पे TDM में मुझे आज सच कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम TDM के बाद यहाँ पे सीधा चलेंगे क्लासिक में। हमारी टीम 6 किल्स लिए हैं टोटल, मैंने 9 लिए। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं सेनॉक में। TDM में तो भाई ने बड़ा मस्त काम करा, यहाँ पे 30 FPS मेंटेन करके रखा और कोई मुझे ऐसा इशू नहीं दिखे 30 FPS में। परफॉर्मेंस मोर और लेस मुझे इसकी 460 की और 662 की 30 FPS पे सिमिलर लगी TDM में। लास्ट में ग्राफ देखेंगे तो और बेटर आपको आइडिया लगेगा। लेट्स सी, अब चलते हैं सेनॉक बूट कैम्प में। हम सीधा बूट कैम्प जंप ही मारते हैं यार। सबसे एक्सट्रीम टेस्ट आपके लिए यही रहता है, एक साथ 4-5 स्क्वाड्स आपको दिख जाते हैं और आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हैंडल कर लेता है तो मोस्टली हर जगह हैंडल कर सकता है। यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे तो फिर बाद में चेक करना पड़ता है मेरा एंगल थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ पर जैसे ही हमने जंप करी आपको दिखेगा कि फ्रेम डिप आया, 21 तक गए थे फ्रेम्स, अभी भी 28 से नीचे थे, वापस 30 आ गए। और स्पीकर पे खेलते हुए प्लस टेस्टिंग के टाइम पे गेम प्ले पे ज़्यादा फोकस मत करना है। मैं पहले भी ये चीज़ बोलता था, अभी बीच में भी फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। हमारा मेन फोकस है आपको डिवाइस का परफॉर्मेंस दिखाना, ना कि गेम प्ले दिखाना। तो यहाँ पे इसने वापस 30 के आसपास तो लिया है, पर 25-26 पे डिप्स जा रहे हैं। अब ये नीचे ही चला गया भाई। तो वैसे यहाँ पे हम आ गए बूट कैंप फिर से। पिछली बार उतरते ही मर गए थे, गनी नहीं थी वहाँ पे। और थोड़ा उतरते टाइम उतरने के बाद मेरे को यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप दिखे थे, ऐसा नहीं था, रॉक सॉलिड था 30 के अराउंड, जो कि हमें थोड़ा बेटर दिख रहा था G30 में। तो यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ जाता है 460 वर्सेज 662 का। पहले से दोबारा से लैंड करके देखते हैं। यहाँ पे अराउंड 30 अब आ रहे हैं फ्रेम्स, ऐसा नहीं है 30 से नीचे हों। 29-30 पे आप देख सकते हैं फ्रेम्स। वेट करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम सही मेंटेन करके 42 मिनट्स हो गए, तो इसको करते हैं स्टॉप। तो अब टेम्परेचर रीडिंग दे रहे थे, थर्मल कैमरा ऑन हो गया और 44 मिनट्स के बाद यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हो अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 38 डिग्रीज ही गया है आगे की साइड, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ नहीं बढ़ा। पीछे की साइड देखें तो पीछे की साइड भी इनफैक्ट 37-38 के अराउंड है, 37.7 है। इस एरिया में थोड़ा सा वार्म स्पॉट हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल के राइट साइड में, पर स्टिल अंडर 40 है इवन 40 मिनट्स की गेमिंग के बाद।
बैटरी की बात कर लूँ तो 40 मिनट्स के गेमिंग के बाद, 42 मिनट्स की गेमिंग के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 64% पे ये आ गया है, तो मतलब 7% का ही यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है। और ये रहा हमारा सेशन, और इस सेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 9.9 आवर्स, ऑलमोस्ट 10 घंटे की बैटरी लाइफ ही आपको ऑफर कर देगा अगर आप इस पर रेगुलर पबजी भी खेल रहे हैं। तो फ्रेम्स की बात करें तो यहाँ पे 30 FPS दिखा रहा है, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर दिखे। और फ्रेम रेट में जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो मीडियन FPS है वो 30 FPS ही निकल के आया है, और 92% टाइम इसने 30 FPS मेंटेन कर रखा था। तो मैं इस टाइम लाइन को ना थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे। अरे इधर अबे, तो ये देखिए, ये जो है ना ये TDM था। TDM में आपको दिखेगा कि 28 तक जा रहे हैं, बीच बीच में एक दो बार 27-26 गया, पर मोस्टली 29-30 इसने मेंटेन कर रखा था। अब उसी के मैं आगे जाऊं तो ये सेनॉक था। सेनॉक में आपको दिखेगा कि इनिशियली जंप मारी तो 20 से नीचे भी एक बार गया, फिर 22 से 30 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा था, फिर धीरे धीरे 25 आया, फिर जैसे ही भसड़ कम हो गई ना सेनॉक में तो यहाँ पे वापस 29-30 हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं फाइनली रैंगल में चलूँ, उसके बाद हमने एक्चुअली मल्टीपल जंप्स मारी थी, ये ड्रैग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, ये तो ये हमारा इरेंगल है। इरेंगल में जंप मारने के बाद भी उतना ड्रॉप नहीं आया जितना सेनॉक में आया था, यहाँ पे 23 तक गया था, इनफैक्ट 22-23 तक। उसके बाद देखिए फटाक से वापस नॉर्मल हो जाता है इरेंगल में, चाहे हम फाइट ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। तो ओवरऑल 30 FPS के अराउंड ये आपको दे देगा। 10,000 का ये स्मार्टफोन आता है, अगर इससे थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 11,000 में मोटो G30 भी चेक कर सकते हैं, पर 10,000 के हिसाब से डिसेंट 30 FPS ही आपको ऑफर कर देता है। 40 FPS होता तो डेफिनेटली अच्छा रहता, पर यहाँ पे आपके पास स्टॉक एंड्रॉइड है तो 30 FPS भी ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है। अगर आपको इसका GFX टूल टेस्ट देखना है जिसमें हम इसको 40 FPS या 60 FPS पुश करें तो कमेंट करके जरूर बताना। 30 FPS में तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं आया, चाहे वो TDM हो चाहे वो इरेंगल हो। सेनॉग में आपको जरूर इनिशियली गन फाइट में थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल आपको करनी पड़ सकती है। दूसरी एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे ना बीच बीच में इसके राइट एरिया में टच इश्यूज आए, या तो जब हम वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे थे तब हल्का सा हो रहा था, या बीच बीच में मुझे लगा कि जैसे मैं एम करके फायर करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे कभी कभार, मतलब 2-3 बार हुआ, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम 40 मिनट में रहा, पर वो हल्का सा टच इशू मुझे फील हुआ कि मे बी कुछ सॉफ्टवेयर वाइज ओवरलैप हो रहा हो, तो वो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। पर स्टिल एट 10,000 30 FPS यहाँ पे डिसेंट 460 के हिसाब से, स्नैपड्रैगन 460 के हिसाब से मेंटेन कर लेता है। आप बताइए आपको कैसा लगा मोटो G10 पावर गेमिंग के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड रिमेंबर गेमिंग इज नॉट अ क्राइम।